नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सावे नगर के पास कायस्थ खेड़ी गांव में कान्हा नदी में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर नदी में उतरे दो लोग डूब गए, जिसमें एक तैरकर बाहर निकल गया और दूसरा लापता हो गया। सावेर के रावट क्षेत्र में एक लाश कान्हा नदी में इंदौर की ओर से बहकर आ गई, जहां पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त की जा रही है। कायस्थ खेड़ी गांव में नदी किनारे पानी के तेज बहाव के चलते हादसे में 26 वर्षीय युवक विनोद पिता नानूराम लापता हो गया है, जहां थाना प्रभारी संतोष दुधी, तहसीलदार तपिश पांडे सहित प्रशासनिक दल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक दो लोग पानी के तेज बहाव के बावजूद नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर उतरे, जहां दोनों अपने ही जाल में उलझ कर रह गए, जिसमें कमल तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया और उसका दोस्त विनोद डूब गया। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई है, बचाव दल नदी में डूबे युवक को खोज रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि करीब 16 घंटे हुई अनवरत बारिश के बाद लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। सावेर नगर के रावेर स्थित खान नदी पुल के पास उस वक्त सनसनी का माहौल बन गया, जब नदी के तेज बहाव में कचरे के साथ एक लाश बहकर आ गई, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने जब लाश को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सावेर पुलिस के मुताबिक शव को बरामद कर लिया गया है, वह उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वही मामले में सावेर पुलिस की कार्यवाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये थाना सावेर का कायस्थगढ़ी गांव है। अभी सूचना मिली है कि विनोद पिता नानूराम नाम का युवक 26 साल की उम्र है, वो अपने दोस्त कमल के साथ में मछली मारने के लिए गया था, कुछ तैरवे फिसलने के कारण पानी में बह गया है। अभी रेस्क्यू टीम को बुलवाया है, देखते हैं। कब की घटना है बताई जा रही है? एक घंटे पहले की घटना है, अभी सूचना मिली है। गाँव वालों ने अपने प्रयास कर लिए हैं, अभी रेस्क्यू टीम आ जाएगी। आज सुबह हमें सूचना मिली कि खान नदी में एक किसी व्यक्ति की लाश बहकर आई है। सूचना पर मर कायम करके मौके पर पहुंचे, देखा कि करीब 50 से 55 साल की उम्र का व्यक्ति कहीं बहकर आया है, जिसके शरीर पर कई रगड़ के निशान हैं। इसने एक बादामी कलर की बनियान और धोती पहन रखी है, चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी भी है उसकी, उसका पता लगाया जा रहा है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।